बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल विलेज फूड एंड डेली लाइफ। मज़ेदार और आसान रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बना रहे हैं इंतहाई मज़ेदार और आसान डिश बीफ स्ट्यू, जिसके लिए बीफ मैंने तकरीबन 3 पाव लिया और तमाम बीफ जो है वो बोनलेस लिया है। बीफ स्ट्यू बनाने के लिए इसकी बोटी हमेशा जो है वो छोटे साइज भी होती है। जो मैंने बाजार से मंगवाया वो थोड़ी बोटी बड़े साइज में बनाई थी किसाब में, तो मैं इसको काट के तो छोटे साइज में कर रही हूँ। इससे भी मजीद अगर आप छोटा करना चाहें इसके 2 पीस इस तरीके से, तो आप वो भी कर सकती हैं, क्योंकि जितनी बोटी जो है वो छोटी होती है तो उतना ज़्यादा मज़ेदार तैयार होता है। आपकी मर्जी है, आप ये साइज़ बनाना चाहती हैं या ये साइज बनाना चाहती हैं, जो साइज़ आपको पसंद है आप उसी साइज़ की बोटियाँ जो है वो तैयार कर लें। तमाम गोश्त की मैंने छोटे छोटे साइज में बोटियां बना ली है। अब हम इसको प्रेशर में डालते हैं। इसको ऑलरेडी मैंने पहले से अच्छे तरीके से वाश किया हुआ है। एक गठी लहसुन थी जिसको मैंने छीली है, ये हम इसमें शामिल करते हैं। एक दरमियाने साइज का प्याज, इसको रफली चॉप करके मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा लहसुन प्याज नहीं जाता। देखिए मैंने आपके सामने सिर्फ 7 से 8 कलियाँ लहसुन की शामिल किया और एक दरमियाने साइज का प्याज शामिल किया है। नमक हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब हम इसमें पानी शामिल करते हैं। तकरीबन 1/2 लीटर के करीब तो गोश्त जो है वो गल जाए। अब हम प्रेशर लगाते हैं और प्रेशर चलने के बाद तकरीबन 12 से 13 मिनट के लिए हम इसको चलने देंगे, क्योंकि बोटी हमने छोटे साइज में किया, ये जल्दी गल जाएगी, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगाना। देखिए माशाल्लाह से गोश्त जो है वो गल गया। तकरीबन हमने 13 मिनट प्रेशर जो है वो चलाया है, गोश्त अच्छा सा गल गया। अब हम इसको कढ़ाई में निकालते हैं और इसके भूनना शुरू करते हैं। ये 2 टमाटरों की प्योरी है, ये हम इसमें शामिल करते हैं। बीफ स्ट्यू की जो स्पेशल चीज़ है वो ये लाल गोल मिर्ची है, ये 12 से 15 अदद हम इसमें मिर्ची शामिल करते हैं। 1/2 टीस्पून वाइट पेपर, बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाते, सिर्फ 2 से 3 मसाले हैं जो इसकी स्पेशल रेसिपी है। एक ही सुराख मिर्ची और दूसरे टमाटर। लहसुन और प्याज भी जो है बहुत कम इसमें जाता है। अब हम इसमें शामिल करते हैं 1/2 कप घी और इसको अच्छा सा भून लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से घी शामिल करते हैं, इसकी लुक जो है वो चेंज हो गई है। बहुत ज़्यादा हमने खुश्क नहीं करना, इसकी ग्रेवी थोड़ी सी नरम नरम सी लिक्विड फॉर्म में ही होती है। बिल्कुल खुश्क करके हमने इसको कढ़ाई गोश्त की लुक नहीं देनी। ये देखिए माशाल्लाह से घी जो है वो ऊपर आ गया है, हमारा बीफ स्ट्यू जो है वो तैयार है। अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इसकी ग्रेवी जो है वो थोड़ी लिक्विड फॉर्म में ही है। अब हम इसको ऊपर डालते हैं अदरक। हम अगर नान के साथ इसको सर्व करें, यकीनन आपकी फैमिली इस डिश को बहुत इंजॉय करेगी। दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह की एक और मज़ेदार नई डिश लेकर इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।